कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुवाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन, पश्चिम बिहार दिल्ली। बंधुओं, आप सभी गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएं प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं, तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें, यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। संसार में वही व्यक्ति महान, विद्वान, गुणवान और श्रेष्ठ समझा जाता है जो व्यक्ति प्रत्येक स्त्री को माँ के समान समझता है और वही व्यक्ति श्रेष्ठ है, विशिष्ट है, महान है, गुणवान है जो परद्रव्य को मिट्टी के ढेले के समान समझता हो, उल्टी के समान समझता हो और सभी जीवों को अपने समान समझता हो, अपनी आत्मा के समान समझता हो, वही व्यक्ति सृष्टि पर श्रेष्ठ कहलाता है, शिष्ट कहलाता है, विशिष्ट कहलाता है, ज्ञानी कहलाता है, विद्वान कहलाता है, गुणवान कहलाता है, उसी को पंडित कहते हैं। पंडित की पहचान, ज्ञानी की पहचान कोई उपदेश से नहीं होती। हर व्यक्ति उच्चारण अच्छा कर लेता है लेकिन आचरण उनका बिल्कुल ही घटिया किस्म का होता है। यदि उसका आचरण इन तीन से जुड़ा हुआ है तो वह विद्वान है, पंडित है, गुणवान है। यदि इन तीन चीजों में स्खलित हो गया है, इन तीन चीजों से सहित नहीं है, स्त्री मात्र को जो माता वत समझता है तो समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को न कभी जेल होगी, न उसकी निंदा होगी और ना ही उसका कोई कलंक होगा। क्योंकि आज इतना भी जो देखा जाता है, यौन शोषण है, स्कूलों में है, व्यापार में है, आप इस वर्ग में हैं, जो आए दिन विटंबनाएं देखी जाती हैं, बस वही कारण है कि वह उनको माता की नजर से नहीं देखते हैं, मातृवत। जैसा कि ग्रंथ में, शास्त्रों में कहा गया है, मातृवत परदारेषु परद्रव्यशील सूले लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यो जानाति सब पंडिता, जो सभी को माता के समान देखता है, गिनता है, माता पूज्यता की दृष्टि आएगी। जहां किसी स्त्री को देखोगे और माता की कल्पना करोगे तो वहां पूज्यता की दृष्टि नियम से आएगी, वहां वासना नहीं आएगी, वहां कामना नहीं झलकेगी, वहां तो बस एक आदर और सम्मान का भाव आएगा। और जहां आदर और सम्मान का भाव आ जाए तो समझ लेना चाहिए वो गुणवान है, महान है, जिसकी दृष्टि में स्त्री मात्र के लिए सम्मान का भाव हो,
आदर का भाव हो तो क्या उसके अंदर वासना जागेगी? कभी भी वासना जाग नहीं सकती है, बल्कि उपासना का जन्म होगा। और आज जो दृष्टि में मात्रत परदारेशु नहीं होता है तो बस वासना जग जाती है, वासना आ जाती है। और जब वासना आती है तो उपासना आदर सत्कार सब खत्म हो जाता है। यदि व्यक्ति की दृष्टि में स्त्री मात्र के प्रति मातृत्व माता का भाव आ जाए, बहन का भाव आ जाए, तो पूज्यता की दृष्टि आ जाए, उसको विद्वान कहेंगे। और जिसके अंदर माता की कल्पना नहीं होती पर स्त्री में, तो उसके वासना का जन्म होता है। और जिसके वासना का जन्म होगा वो विद्वान किस बात का है, वो महान किस बात का है, श्रेष्ठ और सभ्य कैसे है। पर द्रव्य सुलोष्टवत, दूसरों का द्रव्य जो है देख करके लालच आएगी अगर उसको अपना निकी भावना आएगी। और यदि लोष्टवत मिट्टी के ढेले समान उल्टी के समान यदि मानोगे तो क्या ग्रहण करने की भावना आएगी? नहीं आ सकती। कभी उसकी चाहना नहीं बनेगी, लूटने की भावना, छीनने की भावना, उसको अपनाने की भावना, छुड़ाने और छीनने की भावना नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में वो तो मिट्टी का ढेला है, उसके अंदर संतोष है कि भाई उनका द्रव्य मेरे कोई काम का नहीं है। और यदि ये भावना आएगी तो निश्चित समझ लेना चाहिए ये जेल किसका होगा, ये चोर डाकू की उपाधि कैसे मिलेगी? अरे फिर तो साधु की उपाधि मिलेगी, चोर नहीं सिरमौर कहलाओगे। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि पर स्त्री में माता की दृष्टि रखो और पर द्रव्य में लोष्ट मिट्टी के ढेले की दृष्टि रखो कि तो मिट्टी के ढेला है मेरे काम का नहीं। क्योंकि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। अगर गोधन गजधन राज पाज जितना भी है सब देख करके उसमें यदि संतोष का अभाव आ जाएगा तो दूसरे का द्रव्य तो मिट्टी का ढेला होगा, लोष्ट कहलाई गई, क्योंकि धूल के समान है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि दृष्टि को हमेशा इतनी बना के रखो कि परद्रव्य हमारे कोई काम का नहीं है। और जब परद्रव्य के प्रति आपकी आसक्ति नहीं होगी, आप उसे अपने काम का नहीं समझोगे, तो फिर निश्चित समझ लेना चाहिए कि ऐसे द्रव्य के लिए छीनने की भावना लूटने की भावना फिर तो ताला डालने की जरूरत ही नहीं होगी। अगर सभी संसार के लोगों की ये दृष्टि हो जाए कि पर द्रव्य हमारे कोई काम का नहीं है, मिट्टी का ढेला है, तो फिर ये ताले भी की जरूरत नहीं है। फिर ये तुम्हारे जेल आदि की जरूरत नहीं, पुलिस की क्या जरूरत है? जितनी विटंबनाएं आ रही हैं, ये तीन बातें जहां विरुद्ध हुई वहीं पर संसार में सारी विटंबना हो गई। और आत्म सर्वभूतेषु, अपन जो चाहते हैं वो भी चाहता है, हम सम्मान चाहते दूसरा भी सम्मान चाहता, उसको भी सम्मान देना चाहिए। हम मरना नहीं चाहते वो भी मरना नहीं चाहता है, हम कष्ट पाना नहीं चाहते हैं, कठोर और कटुक शब्द सुनना नहीं चाहते हैं, कड़वी वाणी हमें पसंद नहीं है, तो सामने वाले को भी पसंद नहीं है। तो जब हम आत्म जानेंगे वो हमारा ही है,
तो उसको गंदा क्यों कहेंगे? हिंसा हो ही नहीं सकती है, चोरी हो ही नहीं सकती है, कुतिल हो ही नहीं सकता है अगर ये भावना है तो। अब सभी को हम आत्मवत मानेंगे, सभी हमारी आत्मा है, जैसा दर्द हमें होता है सुई चुभाने पर वैसा ही उसको भी दर्द होता है। जब ये आपकी धारणा होगी, ये भावना होगी, तो फिर उसको कष्ट देने की बात बनेगी नहीं। और जहां कष्ट नहीं देगा व्यक्ति, तो निश्चित समझ लेना चाहिए अहिंसा है। हिंसा में कष्ट दिया जाता है और हिंसा पाप होता है, और कष्ट नहीं देना यही तो अहिंसा है और यही धर्म है। जब दूसरों की वस्तु छीनेंगे तो चोरी कहलाएगी, दूसरों संग्रहित करके रखेगा परिग्रह कहलाएगा, और जब आपकी उसके प्रति मिट्टी के ढेले पर दृष्टि होगी तो कहां से पाप हो जाएगा, कहां से चोरी हो जाएगी। और जब सभी के प्रति मात्रवत दृष्टि होगी तो निश्चित समझ लेना चाहिए कि फिर आप अब्रह्म नहीं रहेगा, बलात्कार नहीं होगा, ये जितने भी विडंबनाएं होती हैं ये सारी खत्म हो जाएंगी। ये सबसे ज्यादा खतरनाक हिंसा है, चोरी है और कुसील है। इन तीन पर रोक लग जाएगी फिर देश में जो कुछ दिख रहा है ये तीन ही कारण है। एक तो हिंसा का कारण लगा हुआ है क्योंकि वो पैसा चाहिए, और कुशील का सेवन हो रहा है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि इन दृष्टियों को, ये तीन दृष्टियां अगर आपके जीवन में आ गई तो आप वास्तविक में दृष्टा बन गए, वास्तविक में आप महान कहलाएंगे, गुणवान कहलाएंगे, विद्वान कहलाओगे, पंडित कहलाओगे, क्योंकि ये पंडित की ही परिभाषा है। आप पंडित कब कहलाओगे, आप ज्ञानी कब कहलाओगे, जब ये तीन जीवन में उतरेंगे। कौन सी तीन? पहला है मातृवत परधारेषु, प्रत्येक स्त्री प्रत्येक महिला हमारी मां है, उस मां की दृष्टि को आप अपने जीवन में उतारो। जब तक मां की दृष्टि आंखों में नहीं आती है तब तक आपका मोक्ष मार्ग तो क्या, आप संसार में शिष्ट भी नहीं कहलाओगे, आप विशिष्ट नहीं बन सकते, आप गुणवान नहीं बन सकते, अरे इंसान नहीं कहला सकते। इंसान बनने के लिए ये दृष्टि चाहिए। जब ये दृष्टि आएगी कि प्रत्येक महिला हमारी मां है तो आप इंसान कहलाओगे, और इस इंसान की दृष्टि जब रम जाती है, जम जाती है, तभी गुणवान और भगवान बनता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में इन तीन बातों को अपनाएं, ये तीन बातों को स्थान दें। पहली बात है मातृवत परदारेषु, दूसरी बात है परद्रव्येषु लोष्टवत्, तीसरी बात है आत्मवत् सर्वभूतेषु। यो जानाति स पंडिता, उसको पंडित कहिए, विद्वान कहिए, ज्ञानी कहिए, संस्कारी कहिए, शब्द कहिए, जितने जितने उत्कृष्ट शब्द हैं उन सब शब्दों से उसे अलंकृत कर दीजिए। और यदि आपके अंदर ये दृष्टि नहीं पैदा हुई तो आप चाहे पिछी लीजिए, कमंडल लीजिए, साधु बन जाइए, अपने आगे भगवान लगा दीजिए, तो ये सब पोशाकों से कुछ नहीं होने वाला है। ये सारी पोशाकें हैं, ऊपर के थोपे हुए हैं। अगर अंतस में ये दृष्टि आ गई तो वास्तव में आप महान कहलाएंगे, विद्वान कहलाएंगे, ज्ञानी कहलाएंगे। तो मैं तो आप सभी से इतना ही कहूंगा
आप कुछ जीवन में शास्त्र पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, भगवान की पूजा करते हैं नहीं करते हैं, आपके ऐसा व्यवहार क्या करते हैं दुनिया से, बस ये तीन व्यवहारों को प्रत्येक स्त्री के साथ माता का व्यवहार करिए, दूसरों के पैसा धन संपत्ति के प्रति मिट्टी का व्यवहार करिए कि जैसे मिट्टी से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, वैसे ही सभी जीवों के साथ आत्मत अपने समान व्यवहार करिए, जैसा हम चाहते हैं वैसा वो भी चाहता है, जैसे हम हैं वैसे वो भी है। इस तरह की अगर ये तीन बातें आपके जीवन में आती हैं तो आप निश्चित हैं श्रेष्ठ हैं, महान हैं, विद्वान हैं, गुणवान हैं, भगवान हैं, और आपके लिए ये ज्ञान और दुनिया की चीजें की कोई जरूरत नहीं है, आप स्वयं ही सक्षम हैं, आप महान हैं। तो मैं तो आपको अंत में फिर वही श्लोक कहूंगा, आत्मवत परदारेषु नहीं, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु योजानाति स पंडिता। पंडित वह है, विद्वान वह है, क्योंकि विद्वान वह विविध कोटि से जो महानता दर्शाए, जिसके जीवन में उत्कृष्टता दर्शती है, साधुता दर्शती है, सभ्यता दर्शती है, वही विद्वान है। और सभ्यता इन्हीं तीन बातों से, इन तीन दृष्टि से ही दर्शेगी। पहली दृष्टि है माता के समान सभी स्त्रियों को, सभी महिलाओं को माने जाने, और परद्रव्य को उल्टी के समान, मिट्टी के ढेले के समान, और जो है सभी आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जाने, यही आज का संदेश है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुवाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन, पश्चिम बिहार दिल्ली।